आज हम लोग सीखेंगे कि पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईक्यू स्प्रिंट। आज हम लोग शुरू करेंगे एक न्यू लेक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे कि पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। वो सीखेंगे आज हम लोग कि पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पीएच वैल्यू निकालने का एक फार्मूला होता है, पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन। ये होता है पीएच का वैल्यू, पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस। ठीक है, तो जैसे कि दिया हुआ रहेगा एच प्लस आयन इक्वल टू 10^-3, और हम लोग को पीएच बताना है कि पीएच क्या है इसका। जब ऐसे दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि पीएच क्या होगा, 3। पीएच क्या होगा, 3। आंसर हो गया यही, बस डायरेक्ट देखने के लिए हम लोग का यही ट्रिक है। और जब बोला जाएगा एच प्लस आयन इक्वल टू 10^-4, तो पीएच क्या होगा, जैसे पिछला वाला में 3 हो गया, माइनस प्लस कुछ भी नहीं देखना है, जो पावर है 3, तो इसलिए हो गया पीएच इक्वल टू 3। इसमें क्या 10^-4, तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे पीएच क्या हो गया, 4। अगर इसका डिटेल में एक्सप्लेन देखना है तो हम लोग और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि N/1000 HCl, और इसमें pH निकालना है हम लोग को, pH का वैल्यू। इसमें भी हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि 1/N/1000 है ना, तो 1000 को ऊपर करेंगे तो क्या होगा, 10^-3 इंटू HCl। तो इसमें क्या हो रहा है, H है ना इसमें, तो pH क्या हो गया, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 3। लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। एच प्लस क्या हो गया, 10^-3, और हम लोग को क्या निकालना है, पी एच इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ 10H+ आयन, और माइनस लॉग, और एच प्लस क्या दिया हुआ है, 10^-3, तो 10^-3 लिख दिया। और क्या होता है, ये जो पावर होता है ना -3, ये आगे चल जाता है, तो ये आगे आ गया -3, और अंदर में क्या रह गया, माइनस लॉग और 10 रह गया, बस -3 आगे आ गया, -3 आ गया, तो अंदर क्या बचा, माइनस लॉग ऑफ 10, और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा, माइनस का माइनस ही आ गया, और -3 × -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3, जो कि हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी निकाल लिए हैं पीएच इक्वल टू 3। आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल है N/10^9 NaOH, देन फाइंड pH। इसमें भी pH निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, OH, इसमें हम लोग OH निकालना है, इसमें तो H नहीं है, तो OH क्या हो रहा है, 10^9 है, इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, 10^-9 हो जाएगा, और POH क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9। ठीक है, और हम लोग जानते हैं pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14। जैसे कि pH स्केल, इसका रेंज क्या होता है, 0 to 14 होता है ना, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं इसको pH, और यहाँ से यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं POH। इसलिए pH प्लस POH टोटल कितना हो रहा है, 14 हो रहा है ना, तो बस वही यहाँ पे है, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो pH प्लस POH क्या है, 9 है, इक्वल टू 14, और pH क्या आ गया, 14 - 9 क्या आ गया, pH इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, H प्लस आयन क्या दिया हुआ है, 2 × 10^-5, और हम लोग को इसमें निकालना है pH। pH क्या होगा, 10^-5 है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग जानते हैं 5, जो ऊपर में लिखा हुआ है 5, वही हो गया आंसर 5। तो इसका वैल्यू तो आ गया 5, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 के लिए क्या करते हैं, -log 2, जो भी रहेगा यहाँ पे वैल्यू वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लॉग, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको यहाँ दे देंगे, तो यहाँ क्या है, 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख दें, 5 - log 2 का वैल्यू क्या आता है, 0.3, तो 5 - 0.3 क्या आ गया, 4.7। उसके तो ये हो गया आंसर, पीएच निकल गया 4.7। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओएच इक्वल टू 2 × 10^-5 दिया हुआ है, ये ओएच दिया हुआ है, यहाँ पे एच दिया हुआ था, यहाँ ओएच दिया हुआ है, और हम लोग को पीएच निकालना है। ठीक है, तो पीओएच क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो आ गया 5, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिख दिया, माइनस लॉग, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको ये लॉग के साथ लिख देंगे, माइनस लॉग, यहाँ 2 है इसलिए 2, 5 - log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.3, इसलिए ये आ गया 4.7। और पीएच प्लस पीओएच, हम लोग को यहाँ पे तो पीओएच निकला 4.7। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या, पीएच निकालना, पीओएच निकला है बस अभी, पीएच निकालना, तो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 होता है, और पीएच का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और पीओएच हम लोग यहाँ से निकालें 4.7, तो उसका यहाँ वैल्यू रखें तो क्या आ गया, 14 - 4.7, और पीएच आ गया 9.3। ठीक है, ये आ गया पीएच। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है H+ आयन इक्वल टू 1/10,000 दिया हुआ है,
10,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10^-4 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 10^-4। और फाइंड आउट क्या करना है, POH फाइंड आउट करना है। तो 10^-4 है, pH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, ठीक है। pH प्लस POH क्या होता है, 14, और pH दिया हुआ है 4, और हम लोग को निकालना है POH। POH क्या हो गया, 14 माइनस 4, तो POH क्या आ गया, 14। थैंक यू।